संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं? संसाधन और विकास दोनों एकदम करीबी का रिश्ता है ना, करीबी का रिश्ता है। इससे रोड पे सवारी और खाना में आलू बहुत करीब है, वैसे ही है संसाधन और विकास के बीच में संबंध। आइए, संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी पे जितनी भी सामान पड़ी हुई है वह सब संसाधन है। यह हमारा पृथ्वी है और इस पे जो भी सामान पड़ा हुआ है वो संसाधन है। सबसे ज़्यादा संसाधन कौन सा है? जल। तीन भाग में जल है, एक भाग में थल है, तो ये भी संसाधन है। जब एक भाग में थल है, मिट्टी है ना, तो मिट्टी पे कितने प्रकार के संसाधन हैं देखिए आप। लकड़ी है, लोहा है, तांबा है, अब जल, जल में किस प्रकार के संसाधन हैं? पेट्रोल है, मछली है, अब जल से बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। ये सब क्या है? संसाधन। और इसका विकास जब हम लोग किए हैं तो जल पे हम विकास कर लिए, जहाज़ बना के रेंग के चल गए, जल पे विकास करके इस देश से उस देश में चले गए, जल का उपयोग करके हमने बिजली बना लिया, ये संसाधन। इसे ही विकास कहते हैं। संसाधन और विकास में यही फर्क है। अब आइए यहाँ पे, अब इसको पढ़िए। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? अगर आप गांव से होंगे तो इस साइड लिखिए, शहर से होंगे तो इस साइड लिखिए। गांव में कौन सा आराम पहुंचाता है? पेड़। उसके बाद कुआं। तो कुआं कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। पेड़ भगवान का है। और ये शहर में कूलर, बिजली, कूलर है, रेलगाड़ी है, ये सब संसाधन ही तो है। मेट्रो है, मोबाइल फ़ोन है, जोमैटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, हॉस्पिटल है। शहर मतलब संसाधन, शहर के माने ही संसाधन होता है। अगर शहर में संसाधन नहीं तो वह शहर नहीं। गांव से इसीलिए लोग शहर में जाते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को आप पढ़िए, उतना बढ़िया नहीं है जितना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको पढ़िए। अब जहाँ हमने ये बताया कि वर्गीकरण कैसे करेंगे, संसाधन का वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर उत्पन्न हुआ। जैसे ये मानव है, ये मानव है ना, तो मानव है तो उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने विवेचना किया कि उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, जैव का मतलब जिसमें जीव हो, अजैव का मतलब जिसमें जीव ना हो, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय, जो समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय कहते हैं, जो कभी नहीं समाप्त हो उसे नवीकरणीय कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत आपका घर हुआ, आपका जमीन हुआ। सामुदायिक कौन सा हुआ? सामुदायिक उसे कहते हैं जिसे आपका एक कम्युनिटी उसको रिप्रेजेंटेट करे, जैसे आपका मस्जिद हुआ, आपका मंदिर हुआ। राष्ट्र तो आप समझ ही रहे, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, ये WTO है, ये एक संसाधन है। विकास के स्तर पर अगर हम देखें तो संभवी विकसित और भंडार और संचित कोष होता है। ये विकास के स्तर पर समुद्र प्राकृतिक प्रौद्योगिकी संस्थाएँ एवं मध्य अंशन होता है। संसाधन मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब आए हम, संसाधन दो ही प्रकार के होती है ना। संसाधन पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, वह संसाधन है। हवा से लेकर पानी तक, हवा भी एक संसाधन है। अब हवा में बहुत सारे मिश्रण हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब भी संसाधन है।
अब ये सब संसाधन किसका बनाया हुआ है? प्रकृति का, ईश्वर का, भगवान का। और बाकी छोड़ा हुआ संसाधन मानव का है। मानव का कौन सा है? इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, जितना हम लोग देख रहे हैं आँख से, बिजली, ईंटा, पंखा, कॉलम, मोबाइल, डाटा, ये सब मानव निर्मित संरचना है। संरचना या देखिए ये मात्रा की गुणवत्ता संरचना है। प्राकृतिक के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सतत पवन, सतत मतलब एकदम कंटिन्यूटी, जय में हुआ प्राकृतिक, वन्य जीव, पुनः चक्रणीय, ये अनवीकरणीय है। संसाधनों का विकास कैसे हुआ? संसाधनों का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले इस चीज़ को आप दो चार बार लिखिए और पढ़िए, आपको बहुत ही मदद मिलेगा। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ यह है ना, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस ये जो था, ये आपका जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, 1992 में 100 से भी अधिक देशों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय ये संसाधन है। क्योंकि अगर कोई किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर किसी चीज़ का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल उसको देखेगा और उसको समझेगा, उसका निदान करेगा। जैसे कि ये हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों ने राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के, जैसे राष्ट्र अध्यक्ष किसे कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हुआ है, प्रधानमंत्री हुआ, और कहीं कहीं जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं हुआ तो राष्ट्रपति जाएगा, ब्राज़ील के शहर में एकत्रित हुए और विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के सहायता और समस्या ढूंढने का लिए किया गया था, ठीक है। और सबने इस पे हस्ताक्षर किया और रियो डी जेनेरियो का जो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर बताई गई। और 21 जून को हर साल मनाया जाता भी है ये, ठीक है। अब इसी में है एजेंडा 21, ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह घोषणा है कि 1992 में ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भूमंडलीय स्तर सतत पोषणीय विकास हासिल करना। सतत पोषणीय विकास मतलब यही हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, पारस्परिक आवश्यकताओं का निर्माण करना, जिम्मेदारी का अनुसरण करना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करें, ठीक है। अब यहाँ पे करी करी क्लाप है प्रैक्टिस बुक। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखिएगा तेल शैली, तेल अगर ख़त्म हो जाने पे हम क्या करेंगे? हम लोग ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेंगे। ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं? सोलर हुआ, सोलर पैनल करेंगे, है विंड एनर्जी करेंगे, वाटर एनर्जी करेंगे, हाइड्रोजन एनर्जी करेंगे। सो ये सब एनर्जी है, ये सब का हम उपयोग करेंगे। और खराब, अब हमारे शरीर जीवन पे तो खराब प्रभाव पड़ेगा कुछ समय के लिए, लेकिन हम उसको फिर ठीक कर लेंगे। घरेलू एवं कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए आपने मोहल्ले यथा गांव में एक सर्वेक्षण करें और लोगों से प्रश्न पूछें। ये आपका बात है, पूछिए प्रश्न कि क्या लोग कहते हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं, अपशिष्ट एवं उसके उपयोग के बारे में उनके क्या विचार हैं। आपने विचार परिणामों का समुचित कलश तैयार किया है।
ये आपका काम है, आप कीजिए आराम से। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक है। समाज में यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अभी भी हमारा भविष्य नहीं, हमारे पृथ्वी का भविष्य खतरे में ही है। इस बात को अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, जब आगे आके पढ़िएगा समझिएगा तब जाके समझ में आएगा। इसलिए हर तरफ जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व अर्थ में यह सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। संसाधन नियोजन, संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, और इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। हाँ, कुछ देश प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधन के उपलब्ध में आत्मनिर्भर हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे संसाधन नहीं है, अत्यधिक कमी है। उदाहरण के रूप झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, माने बहुत ज़्यादा इसमें खनिज है, कोयले का खनिज और कोयले का भंडार है, तथा अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल निवासी की कमी है। सबसे कम राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के बहुत आता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल में अन्य भागों से अलग थलग हो जाता है, तथा प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचनाएँ और कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय प्रांतीय प्रादेशिक स्थानीय स्तर पर संतुलन संयोजन नियोजन आवश्यक है। ये क्रियाकलाप है, इसको कीजिएगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्रिया, आपने अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों को सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उसकी पहचान करें। अब आप किस राज्य से हैं, यूपी में किस राज्य से हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, झारखंड में हैं, राजस्थान में हैं, उसको देखिए। भारत में संसाधन की नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना तथा इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक विकास लगाना एवं मापन करना, संसाधन का विकास एवं योजना लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी की और कौशल एंड नियोजन का ढांचा करना और तैयार करना, संसाधन विकास योजना एवं राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, या ज्ञात करना है। सामुदायिक भागीदारी की सहायता से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, देखिए इसमें आपके संसाधन में कौन सा प्रयोग किया जा रहा है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये शायद महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग करना अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से इन संसाधनों का संरक्षण बहुत ही नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधन का इस प्रकार प्रयोग किया था। लालची स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्राथमिक प्रवृत्ति जिम्मेदार है, वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन के संरक्षण 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम इटली में हुआ था,
और 1974 ईस्वी में एक सुपेसेर ने अपनी पुस्तक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी दर्शन के एक बार फिर से पुनर्मिति है। 1987 ईस्वी में ब्रुटन लैंड आयोग रिपोर्ट में द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण का मूलधार योगदान किया गया और इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई, ठीक है। और कॉमन फ्यूचर्स, अब आते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये संसाधन हमने जो बोला आपके पृथ्वी पे, ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में चार भाग हैं, चार भाग में ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये लैंड है। तो ये लैंड में आपका देखिए ये मैदान है, ये पर्वत है, ये पठार है। तो सबसे ज़्यादा मैदान कौन सा है? ये 43%। उसके बाद कौन सा है? पर्वत है, उसके बाद पठार है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो मैदान से ज़्यादा होगा ना, 57%। ना ही पर्वत पे आप खेती कर सकते हैं, ना ही पठार पे खेती कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए। आइए यहाँ पे भू संसाधन, भूमि जिसे कहते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे घर बनाते हैं, खेती करते हैं, अब मैंने सब काम होता है, क्रियाकलाप, परिवहन, संचारण आदि को सभी इसी पे होता है। चलिए, हाँ, लगभग 43% भूभाग क्षेत्र है जो कृषि उद्योग विकास के लिए अत्यधिक मतलब सुगम है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र पर 30% भाग विस्तृत है और कुछ 12 मासी नदियाँ को प्रवाह करने को सुनिश्चित करता है। 12 मासी उसे कहते हैं जिसमें हर साल मैंने पूरे 12 महीना उसमें पानी हो। ये केवल नॉर्थ इंडिया में ही पाया जाता है 12 मासीज, ठीक है। देश का क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। अब आपका देश का हिस्सा 32,85,739,732 है, ठीक है, 32 के मानिए ना, 32,87,000, तो 32,87,932 ऐसा ही है, कहीं दाएँ 17,000, 10 लाख, 10 लाख, इसका 27% निकालिएगा तो निकलेगा पठार की। आइए, अब भू का उपयोग कहाँ कहाँ करता है, अब आपको बताना पड़ेगा भू का उपयोग कहाँ होता है। वन के लिए, कृषि के लिए, बंजर के गैर कृषि के लिए होता है, प्रतिभूमि आदि के लिए होता है, स्थानीय विभिन्न शामिल अविशन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रति यहाँ पे आया, वर्तमान प्रतिभूमि यहाँ पे आया, ठीक है, वर्तमान प्रतिभूमि ये आया, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र व भूमि जिस पर फसल उगाई जाती है या काटी जाती है, ये हुआ क्षेत्र कहने जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद, ये हुआ, ये प्रतिशत है ना। सामान्य भू उपयोग का संवर्ग में ये निकला था 1881, ये 2014, अभी और बदल गया, देखिए यहाँ पे ये 18% वन था, वन की प्रतिशत बढ़ा है, पहले कम था है? ये 45 गैर गैर कृषि कार्य योग अंतर्गत, इसको आप देखिए, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, पुश करके वीडियो को पुश करके देखिए। भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है? भू उपयोग को निर्धारण करने वाले तत्व तो भौतिक कारण है, जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मृदा प्रकार आदि इत्यादि है, जनसंख्या, घनत्व, प्राकृतिक संहिता, इस प्रकार आदि है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32 लाख है, 32,08,87,000, ठीक है, किलोमीटर है, और परंतु इसका 97% भाग का ही उपयोग आंकड़े में उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांत सूची क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चीन के अधिकृत किया है, ये भी है। अब 32,87,000 है, लेकिन इसका 93% अब आइएगा तो लगभग 90%, तो ये हो जाएगा हमारा 30 लाख, 30 लाख का ही हमारे पास डाटा है, ठीक है। अस्थायी चरगाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है,
पशु की अधिक पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा का उपलब्ध कराने में असमर्थ होंगे। इसका परिणाम यही होगा वर्तमान में ये सब। इसको पढ़िए, बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत विविध है 80% ना। चलिए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय, मृदा संसाधन, ये तो भूमि हुआ और मृदा संसाधन मिट्टी का ही है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे का विकास का माध्यम करती है, चाहे वो पौधा गेहूँ का हो या अमरुद का हो। मिट्टी बिना कोई पौधा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, कौन वह है? मिट्टी। मृदा एक जीव तंत्र है, मृदा एक जीव तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरा मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और मृदा बनने की प्रक्रिया में अवस उच्छ्वासन, जनक, शैलो, अंतः स्तर पर, ये सब ये प्रक्रियाएं हैं मृदा बनने का। यह हिम नदी अपघटन वगैरह सब कुछ होता है और इसके फलस्वरूप ये मृदा बनती है। खनन के उपरांत आइए, आप जब जमीन खोदते होंगे, कभी खुदाई करते देखते होंगे, या शहर के लोग तो बहुत कम ही देखे होंगे जमीन की खुदाई, गांव के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऊपरी मृदा अच्छी लगती है, खूब अच्छी है। उसके बाद बालू गांव निकले लगा, उसके बाद चट्टानें निकलेगी, उससे बड़ा बड़ा चट्टान निकलेगा। कभी आप जब चापा कल हलता है आपका, तो जब 30 फीट आराम से हल जाएगा, 30 से 60 जाएगा तो कंकड़ निकलने लगेगा, 60 से 90 जाएगा तो पत्थर निकलता है, उसको काट के जाना पड़ता है अंदर, ठीक है। यहाँ जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिका आदि विभिन्न प्रकार का अनुपात पाया जाता है, जैसे रेशियो होता है, जैसे कि रेशियो अनुपात उसे कहते हैं। जैसे कि आप चिकन मुर्गा बना रहे हैं ना, चिकन बना रहे हैं तो उसका अनुपात क्या होगा? जैसे जैसे 1 किलो चिकन ला रहे हैं आप, तो उसमें 1 किलो चिकन, 1 किलो प्याज, 300 ग्राम, 300 ग्राम तो कैसे होगा? 0.03, गलत हो गया। 1 किलो चिकन अनुपात 1 किलो प्याज 0.3, तेल है 0.1, नमक आदि आदि सब का अनुपात है, ठीक है। ये उसी अनुपात में ये उसमें रेत रहता है, सिल्ट रहता है, मृतिका रहती है आदि सब पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम, करों के आकार, घटकों आदि, बांगर, खादर। खादर सबसे बढ़िया मिट्टी है, बांगर जलोर पुराना जलोर मिट्टी है, ये नया मिट्टी है, ठीक है। खादर, कंकड़, ये सब है। इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। मृदा है ना, मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ ये मिट्टी है जो ना, ये बालू वाली मिट्टी है, अलग बहुत बढ़िया मिट्टी है, यूपी में खूब पाया जाता है ये मिट्टी। मृदा का वर्गीकरण, जलोर मृदा, यह मृदा बहुत पानी सोखता है ये, ठीक है। जलोर मृदा, काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सुपर मिट्टी है यह मृदा। मृदाओं का रंग काला होता है, यह रेगड़ या मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित हो समझी जाती है, और काली कपास की मृदा के लिए नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों से काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार के बेसाल्ट से पाई जाती है, ठीक है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश इत्यादि में यह पाई जाती है। ये रहा यह भारत का नक्शा, ठीक है। इसको और हम ऊपर करते हैं, यहीं से हम देख लेंगे। पर्वत और वन, यहाँ पर्वत और वन है। आप लोग गए होंगे हिमाचल प्रदेश में, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यह लाल पीली मिट्टी, यह लाल
पीली मिट्टी है, ठीक है, ये जलोर मिट्टी है। ये क्या अपना यूपी पंजाब बिहार झारखंड, झारखंड में तो नहीं है, बहुत कम है, ये कोलकाता का है हिस्सा, ये जरा सा ये अपना गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है। जलोर हो गया, काली मिट्टी, ये पूरा काली मिट्टी है, ठीक है, कपास की खेती। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट इधर जो भैया ये वाली मिट्टी तो दिखाई नहीं दे रही, ये बोला है, हाँ ये सब है। शुष्क मिट्टी, ये है शुष्क मिट्टी, ठीक है। गोदावरी रिवर दक्षिण पूर्वी, इधर आइए, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मिट्टी मिट्टा बहुत ही महीन कणों के, अर्थात हम लोग चिटकी माटी कहते हैं हम भाषा में, और इसके नमी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, ठीक है। इसके अलावा यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने आदि के पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण रहती है, ठीक है। इसमें परंतु इसके फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती हैं और इससे अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली मिट्टी, गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और जोतना मुश्किल होता है, इसीलिए जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले ही वर्षाओं में ही शुरू कर देना चाहिए। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी ये है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, पढ़िए। लेटराइट मिट्टी ये है, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है, यह रंग लाल होता है और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है। झीलों से जलवाष्प वाष्पित करने करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक होती है, ठीक है। अब आइए मरुस्थलीय मृदा है, ये तो जानते ही, ये राजस्थान है, या आप अपने नदी नदी के पास के एरिया जो होगा वो भी मरुस्थल का ही होगा, क्योंकि वहाँ पर रेत ज़्यादा रहता है। ये मृदा का अपरदन, मृदा का अपरदन उसे कहते हैं, मृदा अपरदन, अपरदन मतलब क्या होता है, झरना, झरना मतलब कटना, मृदा का अपरदन। ये नदी है और इसका ये किनारा है, तो यहाँ से बहाव आएगा तो ये कटेगा, कटेगा रोज़ अगर 6 इंची कटा, रोज़ अगर 6 इंची कटा तो 30 दिन में कितना हुआ, 30 दिन में 15 इंची कटा, 15 फुट कट गया ना, 15 फुट कट जाएगा, 30 दिन में 15 फुट गया, 15 फुट बहुत होता है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। चलिए इसे इसमें अवन अवलिका अपरदन किसे कहते हैं, जैसे कि ये बारिश हुआ ना, बारिश हुआ तो इस ये मिट्टी बहके बहते बहते कहीं गड्ढा में जाएगा, ये भी मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन एवं संरक्षण, इसका उपाय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, इस पे ईंट बिछाएं, क्या ना, इसको बढ़िया से पढ़िए आप। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न। पंजाब में सभी निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का गहन सिंचाई, अधिक अधिसिंचन, गहन सिंचाई, अधिक अधिक सिंचाई, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है? सीढ़ीदार उत्तराखंड में किया जाएगा। किस राज्य में काली मिट्टी मृदा रूप पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है जी, महाराष्ट्र में, नक्शा देखिए, यहाँ काली मिट्टी नहीं है, यहाँ काली मिट्टी नहीं है, यहाँ काली मिट्टी नहीं है। अब 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। 3 राज्यों का नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र। इसके मुख्य रूप से कौन सी फसल पाई जाती है? काली मिट्टी में कपास, सुपर,
ठीक है, सुपर। और पढ़िए उसमें से, लिखिए। अब पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी तट पर, पूर्वी तट ये हुआ, ये जो अपना भारत है ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। यहाँ पर किस प्रकार का मिट्टी पाई जाती है? ये शुष्क मिट्टी पाई जाती है, ये जो है ना शुष्क मिट्टी। धान होता है, तीन विशेषता क्या, इसमें धान बहुत ज़्यादा होता है शुष्क मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है? मृदा अपरदन का उपयोग, अपरदन का रोकने के लिए यही है कि उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पेड़ लगाए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब 120 शब्दों में लिखना है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें और 1960 से 91 के अंतर्गत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमि महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं की करने का, इसको देखिए उसमें से देख के लिखिए। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? चलिए,